माशाल्लाह दोनों दोनों बैठ रहे हैं, एक ये एक थोड़ा ऊपर 10वां 11वां। माशाल्लाह 11वीं बैठ रही है। ये आज बाबा जी भी आए भाई मेरे पास, ये आए हैं तो ऊपर से जोड़ा निकला को पता हूँ क्या बोल बाबा जी। ये माशाल्लाह 11वीं बैठ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। बाकी आपने देखा जिस तरह से माशाल्लाह उस्ताद मोइनवा साहब के 5:29 पे कबूतर बैठा है और 5:37 पे कबूतर बैठा है। दोस्तों पहले मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की थी, वो जो है वो 2:46 तक ही की थी। बाकी आगे जो कबूतर आए हैं माशाल्लाह वो ये दो बैठे हैं। दोस्तों मामला काफ़ी गमगीन हो गया, काफ़ी टफ मुकाबला हो गया। तो क्योंकि उस्ताद राणा मुन्ना साहब जो हैं वो पहले नीट पर जा रहे थे, तकरीबन 80-85 घंटे इनसे जो है ना वो ऊपर थे। बाकी परसों की फिर तो आपने देखी है 9वीं और आज 10वीं देख रहे हैं आप, इनके 2-3 कबूतर जो है ना इन टाइमों पे आके बैठे हैं, जिस वजह से जो है ना माशाल्लाह ये ऊपर को आ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि उस्ताद मोइनवा साहब पहले जिस तरह से हीट पकड़ के ले गए हैं, 6 हीटें पकड़ी हैं जो कि 6 ही पकड़नी थी, 11 हीटों में से 6 पकड़ के ले गए हैं। अब एवरेज है तो एवरेज में भी ये नीचे से ऊपर को आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये मतलब दोबारा से एवरेज भी पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में जाके सब भाई मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप राणा मुन्ना की तरफ हैं या उस्ताद मोइनवा साहब की तरफ है, क्योंकि मामला जाना काफ़ी गमगीन हो गया, काफ़ी टफ मुकाबला जाना वो चल रहा है। बाकी उस्ताद राणा मुन्ना साहब की जिस तरह से पहले मैंने आपके साथ अपडेट की शेयर की थी, वही आप भी अपडेट है। ये देखें दोस्तों इनके कबूतर जो है ना वो 2 कबूतर अभी तक ऊपर ही हैं, क्योंकि 6 बजे की अपडेट जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी उस्ताद राणा मुन्ना साहब के भी कबूतर ऊपर से निकल के आते हैं, फिर आपके साथ वीडियो में शेयर कर देते हैं।